जय साथियों, गुड इवनिंग। मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जितनी यूरोपियन कंपनीज थी, कब कब आई, किसने किसने कैसे कैसे क्या किया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे प्लासी और बक्सर का वार जीत करके और अपने आप को इस्टेब्लिश की, कैसे कंपनी से वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, शासक के रूप में कन्वर्ट हो गए, उस पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। और कर से हम प्रॉपर नेशनल मूवमेंट पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ साथियों कांग्रेस के बारे में, हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं रिवोल्यूशन के बारे में, 1857 के बारे में, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए। अब कल से लगातार 4 दिन हम डिस्कस करेंगे नेशनल मूवमेंट कब कब कैसे कैसे इंक्रीज हुआ, उसको एक एक करके। तो आइए देखते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शुरुआत में आती है व्यापारी के रूप में, और धीरे धीरे व्यापार से वो हमारे वहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं किधर के रूप में, बेटल ऑफ बंडीवास, ये सब हम पढ़ा दिए थे, कर्नाटक वार ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है साथियों, जब उन्होंने बंगाल में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, जब उन्होंने बंगाल में शासन शुरू किया है, हमें डिस्कस करना है प्लासी के वार के बारे में, हमें डिस्कस करना है बक्सर वार के बारे में, हमें डिस्कस करना है इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में, मीर जाफर, मीर कासिम, इन सब लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, छोटा सा टॉपिक है। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों को 3,000 रुपये के रेट पर, जो पर एनम पे करना था, फर्रुखसियत ने फरमान जारी किया था। फरमान जारी करने का मतलब क्या है कि गेट पास कह लो, विदाउट टैक्सेशन आप आओ और बंगाल से यूरोप में व्यापार करो। ऐसा बताते हैं कि उस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा कोई बिजनेस वाला सेंटर था तो बंगाली था, और बहुत थोड़ा सा पे करके, सिर्फ 3,000 रुपये पर एनम पे करके, इन्होंने लगभग पौंड में 50,000 पर एनम इनकम जनरेट किया है। और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट था। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ये एक्सपोर्ट कर रहे थे विदाउट टैक्सेशन। और ऐसा बताते हैं कि इस फरमान का उपयोग जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो खुद के पर्सनल व्यापार के लिए भी कर रहे थे। कई बार वो उस परमिशन को अपने भारतीय दूसरे लोगों को भी बेच देते थे, तो कई तरीके से मिसयूज कर रहे थे। लेकिन ये बात की बात है, मिसयूज किया क्या किया, लेकिन ये पक्का है कि बंगाल के इस फरमान ने, बंगाल के इस परमिशन ने अंग्रेजों को भारत में शक्ति बनने के रूप में एक आधार तैयार किया, एक उनको फाइनेंशियली मदद मिली यहाँ से। अब ऐसा बताते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पर और मजबूत होते चले जा रहे थे, लेकिन जो अब नया बंगाल का गवर्नर नवाब आ रहा है, अलवर्दी खां था उस समय, और उसका, उसके डेथ के बाद उसका जो ग्रैंड सन है वो सिराजुद्दौला, वो गद्दी पर बैठता है, कब, 1756 में। और बताते हैं कि सिराजुद्दौला अपने आप में एक जटिल, एक प्रभावशाली शासक था, जो जिससे अंग्रेजों को डर पैदा हुआ है, और इसके खिलाफ जो सिराजुद्दौला हैं उनके खिलाफ जो उनकी मौसी हैं घसीटी बेगम और इनके जो कजिन हैं शौकत जंग, ये भी इनके अगेंस्ट साजिश रचते रहते हैं। और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए कि आप किले बंदी नहीं करेंगे, आप फरमान का उपयोग सिर्फ अपने लिए यूज करेंगे, और जो उनकी किलाबंदी थी उन्हें रोकने का प्रयास किया। ऐसा कहते हैं कि सिराजुद्दौला योग्य होते हुए भी दुश्मन बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम था। जैसे उन्होंने मीर जाफर को हटा करके एक दूसरे व्यक्ति को अपना सेनापति स्थापित कर देता है, तो मीर जाफर भी इसका एक एनिमी बन जाता है। उधर इनकी मौसी, इनके चचेरे भाई इनके दुश्मन हैं, और
इन्होंने मीर जाफर को हटा करके मीर बदान को सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो ये सारी परिस्थितियां रहीं जिन्होंने प्लासी के वार को की स्थितियां जनरेट की हैं। अब क्या क्या परिस्थितियां हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, एक बार वो देख लेंगे फिर आएंगे हम वापस। तो हमने कहा कि 1717 में फारुख सियर ने फरमान जारी किया था, सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के बाद कंपनी पर रोक टोक करना शुरू कर दिया, और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने फोर्ट विलियम पर जो उनकी किला था उसे रोक लगा दिया और वहाँ पर अपना हमला करके फोर्ट विलियम पर अपना कब्जा कर लिया और लगभग 3000 कुछ लोगों को बंदी बना लिया और एक छोटे कमरे में उनको रखता है और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है और इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो तीन तरीके से क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, तो किससे, सिराजुद्दौला से। ब्लैक होल की घटना कब घटित हो रही है, तो 1756 के बाद जो में ये घटना घटित हो रही है और बहुत कम लोग बचते हैं, और इस घटना ने अंग्रेजों को इसके खिलाफ कर दिया और रॉबर्ट क्लाइव आता है मद्रास से इसे लड़ने के लिए, और ये सारी सिनारियो जनरेट करती हैं किस चीज़ की, प्लासी के वार के। और रॉबर्ट क्लाइव आकर के कलकत्ता पर अपना कैप्चर प्रभाव स्थापित कर लेता है और फाइनली 23 जून 1757 को ये ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाती है और इस लड़ाई में वो हार जाता है सिराजुद्दौला, और फिर मीर जाफर को हम नियुक्त करते हैं। तो ये तो हमने कहा बैकग्राउंड क्या था, अब थोड़ा बहुत देखते हैं प्लासी का वार क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, कौन कौन लड़ा, किसके किसके द्वारा लड़ा गया। ऐसा बताते हैं कि सिर्फ इस पूरे लड़ाई में सिराजुद्दौला ही लड़ रहा था, उसकी सारी सेनाएं उसके सिर्फ साजिश के तहत अंग्रेजों का साथ दे रही थी। और बताते हैं कि इनके पास सिर्फ अंग्रेजों के पास 1100 सैनिक थे, इनके पास जबकि 4000 सैनिक 4500 के आसपास सैनिक थे, फिर भी ये हार गए हैं। तो अब देख लो कौन है शासक प्लासी के वार के टाइम, सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ रही है। मीर जाफर हैं जो कहने के लिए सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये लड़ नहीं रहे थे, मोहनलाल थे वहाँ के एक स्थानीय व्यापारी, ऐसा बताते हैं कि ये भी कुछ नाराज थे लेकिन लड़ रहे थे इन्हीं की तरफ से, और कुछ फ्रेंच सैनिकों ने भी नवाब की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ओवरऑल लड़ाई में इनकी हार हो गई और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। और ये लड़ाई लड़ कहाँ रहे थे हम, प्लासी में बंगाल कलकत्ता में, और इस तरीके से बिना कुछ किए बिना किसी बहुत बड़ी लड़ाई लड़े अंग्रेजों को आसानी से, अंग्रेजों को बिना किसी लड़ाई झगड़े के बिना किसी बहुत बड़े लड़ाई के आसानी से बंगाल पर लगभग कंट्रोल हो गया। और अब साथियों मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। अब 1757 से लेकर के 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहेगा, देखेंगे बाद में इसे भी अपनी स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि इसे भी अपनी स्थिति छोड़नी पड़ेगी। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का नाती था, हाँ बता दिया वो पॉइंट। अब साथियों सिराजुद्दौला को मार दिया गया, ये हमने बता दिया, और इस लड़ाई के बाद घोषित रूप से अंग्रेज बंगाल में संप्रभु हो गए, उन्होंने डचों को समाप्त कर दिया, उन्होंने फ्रेंच फोर्ट्स को समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से अब बंगाल, और बंगाल पे कब्जा करने का मतलब एक तरीके से लगभग भारत पर कब्जा कर लेना था। और हमने कहा कि इनकी हत्या कर दी गई सिराजुद्दौला की। अब क्या क्या इसमें फायदा हुआ अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को जमींदारी और 14 परगना मिल गई, आप जानते होंगे कि 24 परगना बंगाल में एक जगह है वो इनको मिल गई प्रशासन की, और हमने कहा कि इससे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और भारत में इनकी मिलिट्री सुपरमेसी भी इस्टेब्लिश्ड हो गई। अब साथियों हमने क्या कहा आपको, हमने आपको ये कहा कि
प्लासी का वार किसके बीच में हुआ, किसने किसी तरफ से लड़ाई लड़ी, और प्लासी के वार के बाद अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ है, और कौन शासक बना है, और कौन उस समय सेनापति था, किस किस तरीके से। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन अभी मिलेंगे, ये आपने तैयार रखना है। अब साथियों, मीर कासिम और ट्रीटी ऑफ 1760, ऐसा बताते हैं कि जब 1757 में मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो उसने बहुत सारे फाइनेंशियली सुविधाएं दी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को सिक्का डालने के लिए अपना उन्होंने टकसाल इस्टेब्लिश कर लिया, जितनी इनकी फैक्ट्रियां थी वो उनको वापस मिल गया, इनको हरजाना भी मिला, तो बहुत सारे तरीके से इनको फायदा हो गया। 24 परगना की जागीर को हम यहाँ तक कहते हैं कि क्लाइव की जागीर के नाम से भी जानते हैं। अब मीर जाफर साथियों 1757 से 1760 तक अपने शासन पर बना रहा, और लगभग उसे क्लाइव को लगभग 2,34,000 पाउंड दिया, 50 लाख रुपये लगभग उन्होंने ब्रिटिश सेना को दिया, इस बात करके लिए कि उनको हरजाना दो, हमें लॉस हुआ है, इस तरीके से। और फाइनली 1760 में मीर जाफर को हटा करके उसके जगह पर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया, और मीर कासिम के साथ अंग्रेजों ने 1760 में एक ट्रीटी की है, ये ध्यान रखना। अब इस ट्रीटी के ये मीर कासिम था कौन, तो मीर जाफर का सन इन लॉ था। मीर जाफर पे इतने शर्त रख दिए गए, खुद ही 1760 में अपना शासन छोड़ करके मीर कासिम को गद्दी देना स्वीकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि 1760 की संधि किसके किसके बीच, तो मीर जाफर और कंपनी के बीच में हुआ है, मीर जाफर और कंपनी कर रहे हैं, मीर कासिम और कंपनी के बीच में। अब देखो क्या क्या फायदा हुआ, अब देखो सीधे अंग्रेजों को बंगाल के 3 बुरदवान मिदनापुर चिटगांव मिल गया कि चलो आप इसको शासन करो, ये आपका क्षेत्र हो गया। इन्होंने कहा कि जो सिलहट में ट्रेड होगा उसका हाफ शेयर किसको मिलेगा, अंग्रेजों को। इन्होंने कहा कि मीर कासिम ने कि जितने बकाया है जो मीर जाफर ने एग्रीमेंट किया था वो सारा का सारा बकाया हम आपको देंगे, आपको जितने बकाए हैं। और ऐसा बताते हैं इतना ज़्यादा बकाया दिखा दिया गया कि ये उबर ही नहीं पाए, यहाँ तक कह दिया कि हम आपको 5 लाख रुपये सपोर्ट करेंगे, किस बात के लिए, ताकि आप साउथ के अपने अभियानों को चालू कर सको। ओवरऑल क्या मतलब है कि 1760 की ट्रीटी करके इन्होंने मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। और ऐसा बताते हैं कि इस उपलब्धि ने अंग्रेजों को फूट डालो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया यहाँ से पूरी तरीके से। शासक के रूप में सिर्फ क्या करना है, एक कठपुतली रखना, और जब भी दिक्कत लगे तो उसको हमें हटा देना है। अब साथियों यहाँ पर ये भी एग्रीमेंट हुआ कि जो भी मीर कासिम के दोस्त दो दुश्मन होंगे वो कंपनी के दुश्मन होंगे, और जो भी कंपनी के दुश्मन होंगे वो मीर कासिम के दुश्मन होंगे, यानी एक तरीके से एक दूसरे के टेक केयर करने की जिम्मेदारी बना दी गई। और कहा गया कि जो मीर जाफर है उसको हम 1500 रुपये पेंशन भी दिया करेंगे, क्योंकि मीर जाफर ने हमारे लिए काम किया था इस तरीके से। लेकिन ऐसा बताते हैं कि मीर कासिम बाकी सारे लोगों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी था, और उसने शासन अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया। ये क्वेश्चन आता है कि किसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था, तो ये कौन है, मीर कासिम। अब साथियों धीरे धीरे अंग्रेजों को यह एहसास होने लगा कि जितना हमें निचोड़ना था हमने मीर कासिम से निचोड़ लिया, और अब हमें ज़रूरत है और ज़्यादा ज़्यादा पैसे प्राप्त करने के, और ज़्यादा ज़्यादा हमें अपने स्थिति को मजबूत करने के। लेकिन जैसे ही मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर ट्रांसफ़र की, वैसे ही इनको लगने लगा कि अब यह हमारे कब्जे से बाहर जा रहा है और हमें इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और उधर मीर कासिम को भी लगने लगा कि यदि हमने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। इसके लिए मीर कासिम ने अब धीरे धीरे अपना शासकों से मदद मांगना शुरू किया, और अवध के शासक से मिला, मुगल शासक शाह आलम सेकेंड से मिला,
ताकि अंग्रेजों को देश से भगाया जा सके। हालांकि ऐसा आरोप है कि शाह आलम द्वितीय सिर्फ कहने के लिए इनके साथ था, वो ऑलरेडी अंग्रेजों से मिला हुआ ही था। खैर हमें उससे मतलब नहीं है। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड की सेना और दूसरी तरफ अंग्रेजों में रॉबर्ट मुनरो, इनके बीच 1764 में बक्सर का वार होता है और इस वार में जो इनकी ज्वाइंट सेना है मीर कासिम की वो पराजित हो जाती है। और इस पराजय के बाद एक होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, और इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद से अंग्रेजों को और बेहतरीन फायदा होता है। हर वो काम वो जो चाहते थे वो सारा का सारा वो इन्होंने इजीली लागू करवा लिया। तो तीन बातें हो गई, बक्सर का वार कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेजों का किसके नेतृत्व में हो रहा था, मीर कासिम के नेतृत्व में कौन था, अवध का नवाब कौन था, मुगल एम्पीरियर कौन था, क्या यहाँ तक क्लियर है, और इस के खिलाफ कौन सी संधि हुई और कब हुई। वही हेक्टर मुनरो कहो या मेजर मुनरो कहो, बातें की है मेरे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल अब साथियों इसका आधार क्या हुआ, क्लाइव फिर आता है देश में और वो गवर्नर बन जाता है बंगाल का, और अंग्रेजों ने अब दिमाग लगाया कि अच्छा तुमने जो है अवध के शासक के रूप में इसका साथ दिया तो चलो तुमको भी कुछ एहसास कराते हैं, तुम मुगल शासक हो शाह आलम सेकेंड, तुमको भी थोड़ा बहुत एहसास कराते हैं, और यहां से भारत में अब द्वैत सिस्टम की शुरुआत हो जाएगी। कैसे कैसे वो देखो। बेसिकली इलाहाबाद की ट्रीटी जो है वो दो ट्रीटी है 1865 में, क्लाइव एक ट्रीटी तो करता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से और दूसरी ट्रीटी करता है मुगल शासक से, लेकिन हम जनरली एसएससी लेवल पर एक ही मान के चलते हैं कि इलाहाबाद की ट्रीटी क्या है। लेकिन यदि ये पूछा जाए इलाहाबाद ट्रीटी किसके किसके बीच हुआ, कब कब हुआ, क्या था, वो हम एक बार सीख लेना है। एसएससी लेवल पर तो नहीं है लेकिन हम एक बार सीख लेंगे क्या है कैसे है। इसके अलावा हमें कभी मौका मिला तो हम आपको मराठों का भी बताएंगे, रंजीत सिंह का भी बताएंगे और कर्नाटक वाला भी डिस्कस करेंगे। तीनों हम अलग से किसी दिन टाइम लगा तो वो डिस्कस करेंगे। अब सुजाउद्दौला को क्या कहा गया कि अलाहाबाद और कारा ये तो दो आप किसको, मुगल शाह आलम सेकेंड को। अब शाह आलम सेकेंड को खतर खुश करके कुछ लेना था, अब क्या लेना था वो देखो। तो ये कहा कि इलाहाबाद कारा किसको दो, शाह आलम सेकेंड को, अभी देखेंगे इनसे हम क्या लेंगे। इन्होंने कहा तेरे ये शुद्ध की वजह से हमें बहुत लॉस हुआ है तो 50 लाख रुपए तो तुम दो मुझे इमीडिएटली। और ऐसा बताते कि इस 50 लाख को देने के चक्कर में, 50 लाख देने के चक्कर में बताते हैं कि उनका पूरा बर्तन तक बिक गया, इतना ज्यादा इन टफ एग्रीमेंट कर दिया। तो ये तो हुआ शाह आलम सेकेंड को क्या मिला है, अलाहाबाद और कारा, और आपको 50 लाख रुपया हमें हर्जाने के रूप में देना है। अब ये इतना बड़ा क्या लिखा है वो अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है। 12 शाह आलम सेकेंड को क्या कहा गया। अब शाह आलम सेकेंड है कौन, तो शाह आलम सेकेंड अभी कहने के लिए पूरे भारत के एक तरीके से मुगल रिप्रेजेंटेटिव, पूरे शासक हैं। तो इनके सामने क्लाइव ने एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया कि हम आपका ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे। ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि एक होगा सिविल मैटर, दीवानी मामले, क्या मतलब है, टैक्स कलेक्ट करना। इन्होंने कहा कि हम आपको एक फिक्स पे कर देंगे, टैक्स हम ही कलेक्ट करेंगे, हम ही सारा का सारा मैनेज कर लेंगे। और एक हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ये सब, इसके बदले में आप हमें एक फिक्स अमाउंट पे कर देना और सारा का सारा हम मेंटेन कर लेंगे। टैक्स
हम आपका कलेक्ट कर लेंगे, इसके बदले में हम आपको एक फिक्स अमाउंट दे देंगे और आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम संभाल लेंगे, इसके बदले में आप हमें कुछ दे देना। अब कैसे वो देखो। तो हमने कहा कि हम आपको यूसुफ फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बंगाल का दीवानी हम संभाल लेंगे, बिहार का दीवानी हम संभाल लेंगे और उड़ीसा का। अभी सिंपल बात किया जाए तो उसमें बंगाल बिहार उड़ीसा एक में ही थे, ये हम आगे चल के सीखेंगे। 1905 के बाद क्या होगा, 1912 के बाद क्या होगा, 1935 के अधिनियम में फाइनली किस किस तरीके से अलग होगा। बेसिकली अगर जानते हैं तो थोड़ा सा जाने, जब बंगाल 1912 में दोबारा बना, पहले तो बांटा गया 1905 में फिर दोबारा बना, तो इस बार बिहार को अलग कर दिया गया है ना, और फिर 1935 में उड़ीसा अलग हो जाएगा। तो बात की बात है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने कहा कि फरमान जारी हो गया कि ठीक है जी, बंगाल बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्ट हम करेंगे और इसके बदले में हम आपको 26 लाख रुपए दे देंगे। चाहे हम यहाँ से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें, कम टैक्स कलेक्ट करें, हमें कोई आपको कोई टेंशन नहीं पालना है, सारी दीवानी की जिम्मेदारी हमारी, और हम आप हमें 53 लाख देना। किस बात के लिए? हम आपका मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये सब देख लेंगे, दैट वाज नोन एज निजामत। तो इतना टिपिकल ना करके सिंपली एक पॉइंट कि ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि मुगल शासक दो तरीके से काम किया करते थे। एक काम करते थे टैक्स निकालने का, जिसको हम दीवानी कहते थे, ये इन्होंने कहा कि जी हम कलेक्ट कर लेंगे और आपको हम सीधे 25 लाख रुपए दे देंगे, आप रखो। लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और इन सब में दिक्कत है, जिसको हम निजामत कहते हैं, तो ये हम आपकी जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है, बहुत दिक्कत वाला है, तो इसके बदले में आप हमें 50 लाख देना। देख रहे हो, हम आपको सिर्फ 25 लाख देंगे, चाहे हम कितना कमाएं, लेकिन आपको हम मेंटेन करेंगे, इसलिए आप हमें 50 लाख देना। मतलब एक तरीके से पंगु ही कर दिया इन्होंने। तो इसी को हमने कहा ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में शुरुआत किया गया, दीवानी का मतलब है कलेक्टिव रेवेन्यू और निजामत का मतलब है हम आपके मेंटेन की जिम्मेदारी रखेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि बक्सर ने, प्लासी ने तो बेस तैयार कर दिया, बाकी सबको ख़त्म कर दिया, और बक्सर ने इनको एक तरीके से कंपनी से ला करके किस में स्थापित कर दिया, अब प्रशासन का, और धीरे धीरे मुगल शासक को भी औकात दिखा दी, बंगाल पूरा अपने कब्जे में कर लिया और कहा कि आपके पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। ऐसा बताते हैं कि शुरू शुरू में आए थे व्यापारी के रूप में। व्यापारी के रूप में क्या, यहाँ से आएंगे, कच्चे माल लेकर के जाएंगे, एक कच्चे माल ले जाएंगे, तैयार माल बेच देंगे। फिर धीरे धीरे क्या किए, यहीं से कमाने लगे और व्यापार करने लगे। और अब तीसरा स्टेज क्या आ रहा है कि अब हम व्यापार व्यापार छोड़ो, अब हम सीधे यहीं पर प्रशासन करेंगे, यहीं से कमाना शुरू करेंगे। तो अब हम तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये तीसरा स्टेज कौन सा है, ड्यूअल गवर्नमेंट का, कि सारा कुछ यहीं से कमाया जाए, यहीं पे यूज किया जाए, और धीरे धीरे व्यापार व्यापार इनका सब्सिडरी होता चला जाएगा, सेकेंडरी होता चला जाएगा। चले आप देखेंगे 1833 में आकर के काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगे। कंपनी ने निजामत का काम ले लिया और दीवानी का काम ले लिया। फिर अब धीरे धीरे बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, जैसे हम गवर्नर वाला जब पढ़ेंगे। सर 50 लाख वाले सेकंड ट्रीटी आलो इलाहाबाद में क्या था? नहीं कह रहे साल हम लोल था, नहीं लोल नहीं था, मजबूर था। जीतेंगे तो तभी जब आपके पास सैनिक हों। तो यदि आपकी सैनिक मजबूत है, हमारे पास उतने ट्रेंड नहीं है, तो लोल क्या था? आज तुम्हारे निकम में आज चुनाव हो रहा है, तो नेता लोग हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं और जनता खड़ा होकर ताली बजा रही है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा व्यक्ति आया, मेरा भला करेगा। तो तुम लोल हो या वो लोल था? तो सोचो, तो सत्ताएं हमेशा बदलती रही, शासक हमेशा ऐसे ही करेंगे। किसी ने कहा कि 50 लाख वाला पॉइंट समझाओ। मैंने कहा कि जो आपका निजामत का काम मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, शासन। तो शासन में क्या करना है आपको? आपको पुलिस रखना होगा, ठीक है। आपको जुडिशरी देखना होगा, ठीक है। आपको आर्मी रखनी होगी, ठीक है। आपको मैनेजमेंट करना होगा। तो इसमें क्या आपको पैसा लगेगा? या आप ये टेंशन छोड़ दो, या हमें दे दो, बस आप हमें 50 लाख दे देना, चाहे मैं यहाँ 50
2 करोड़ खर्चा हुआ जो भी हो, देट वॉज निजामत के 50 लाख बदले में हम आपके जिम्मेदारी लेंगे निजामत की, और दीवानी वाला हम 25 लाख आपको दे ही रहे हैं। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, रिंग फेंस की नीति क्या है? वही जो बेलेजिली ने किया था कि आप बेलेजिली वाले नीति का नाम क्या है साथियों, सॉरी सब्सिडरी अलायंस, वॉरेन हेस्टिंग्स बार बार बेलेजिली से पूछते हैं क्वेश्चन यहां पर, सहायक संधि कि आप हमें सहायक संधि कीजिए। सहायक संधि का क्या प्रपोजल था? ये जाते थे शासकों के पास और कहते थे कि ऐसा करिए आपके निजामत का काम हम करेंगे। इन्होंने बोला ये क्या है, तो इन्होंने बोला कि आपको सैनिक नहीं रखने की जरूरत है, हम आपके सैनिक रखेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं हमारे सैनिक अच्छे हैं, हम योग्य हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा आपके सैनिक योग्य हैं तो आप हमारे सैनिकों से लड़ाई लड़ाओ, जीत जाएंगे यदि आपके सैनिक तो आप अपना रखना। दैट वॉज द सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। और धीरे 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 मजबूर करके पूरा का पूरा हर राज्य को लगभग इन्होंने गुलाम बना लिया। और यदि आप देखोगे तो लगभग सारे के सारे को तो शामिल कर लिया इन्होंने, हैदराबाद, मैसूर, तंजोर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, राजपूत, सबको ही तो एक तरीके से कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे 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 करते 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 पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। और फिर आकर के बाद में एक और संधि आएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी लेकर के आएगा। और इस लैप्स की नीति के तहत सतारा, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, जो बचे हुए थे थोड़े बहुत, उन सबको भी शामिल कर लिया गया। तो इन पॉलिसीज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक तरीके से साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म या सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने में मदद कर दी। तो साथियों यहां तक कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सहायक संधि क्या होता है सर, एक बार ये बताओ। देखो अब सहायक संधि का सिंपल मतलब क्या है, जो अकबर करता था ये वही है। जैसे अकबर ने क्या किया या बेलेजिली क्या कर रहा है, मान लो इन्होंने कहा सतारा को, सतारा मत कहो, सीधे हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, हैदराबाद को, कि ऐसा करो तुम शासक हो तो तुमको कितना टेंशन रहता होगा, पुलिस आर्मी रखना, सैनिक रखना, उनकी सैलरी देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको खुश रखना, उनसे डर रहता है कभी वो तुमको हत्या ना कर दें, तो तुम ऐसा करो अपने सैनिक को नहीं करो ख़त्म, हम तुमको सैनिक देंगे, हम तुमको ट्रेन आर्मी देंगे, तुम सिर्फ एक फिक्स अमाउंट हमें देते रहना, सारा कुछ हम देंगे। तो जिन शासकों ने मना किया, कहा जी नहीं नहीं हमें तो श्यामा, हमारे पास सैनिक है या हमारे पास पैतृक है, तो उन्होंने उनसे कहा कि लड़ाई लड़ो, साबित करो कि तुम्हारे सैनिक अच्छे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये एक तरीके से डर पैदा करना, जबरदस्ती करना। आप सोच के देखो बिना सैनिक का शासक कैसा होगा, बिना सैनिक का शासक कैसा हो सकता है, कोई काम ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक तरीके से पंगु करना था धीरे 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 धीरे। अब जब तुम सैनिक जब तुम्हारे नहीं रहेंगे, मेरे रहेंगे, और जब तुम बदमाशी करोगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को किंग बना दूंगा, वो बदमाशी करेगा तो किसी और को बना दूंगा। तो ये अपने आप में बहुत डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। क्लियर है? तो ये बताते हैं कि इस संधि ने अंग्रेजों को बहुत बड़े लेवल पर, इसमें कई सारे प्रोसीजर भी थे, जैसे 4 स्टेज थे एग्जैक्टली, कि चलो हम तुम्हारे सैनिक की देखरेख करेंगे, तुम पर हुआ हमला हम पर हुआ हमला माना जाएगा, और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। तुम किसी भी विदेशी कंपनी या शासक से कोई एग्रीमेंट नहीं करोगे, किसी तीसरी कंपनी से, हम भी तुम्हारे दुश्मन से एग्रीमेंट नहीं करेंगे। और चौथा कहा गया था कि तुम किसी के साथ किसी प्रकार के फॉरेन रिलेशन नहीं रखोगे, हम तुम्हारी सारी जिम्मेदारी रखेंगे। मतलब तुम शासन करो टेंशन फ्री रह के, बस टेंशन लोगे तो तुमको हम भगा भी देंगे, टेंशन लोगे तो हम तुम हमें दिक्कत करो हम तुमको दिक्कत कर देंगे। तो ये एक प्रकार से सा एक साजिश था पूरी तरीके से कब्जा करने का। चले अब यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो छोटे छोटे यहां से कुछ क्वेश्चन आए हो वो डिस्कस करा देते हैं। सर जनवरी से अक्टूबर की करंट अफेयर टेलीग्राम पे नहीं है, डाल रखा है, आपको मिल नहीं रहा है आपका, आप ध्यान से देखो, पूछ लो इन बच्चों से, सबको डाल रखा है टेलीग्राम पे। साथियों यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो हम क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लें।
चले, मुझे लग रहा है कि छोटा सा पॉइंट हमें मराठा वाला भी, कर्नाटक वाला भी और सिखों वाला भी कर ही लेना था। चलो कोई बात नहीं, एक दिन और लगाएंगे क्लास, उस पर कर लेंगे। और कोई डाउट है यहाँ तक? चले, ये वो टॉपिक है जिसमें आपको पूरा रटना पड़ता है, मराठा, कर्नाटक, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये मतलब पढ़ाने में तो मज़ा है लेकिन आपको फाइनली रटना पड़ेगा कि सलाहबाई की संधि कब हुई, किसके किसके बीच हुई, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई, किसका क्या नाम था, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये सारा चीज़ आपके सामने एक बार डिस्कस कर दें, आपको दिक्कत ना हो, आपको सारा कुछ याद हो जाए। छोटे सा टॉपिक है, 10 मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन है यहाँ पर। चले सर, PDF है टेलीग्राम पर? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पता नहीं निकम्मे कौन से टेलीग्राम पे देख रहे हैं। एक बार मैं नीचे वाला ये हटा दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। चले, कह रहे नहीं है। चलो पता नहीं तुम्हारे वाले में नहीं होगा, बाकी बच्चों का तो है। चलो बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ब्रिटिश टू कम इन इंडिया, किसने अंग्रेजों को भारत आने के लिए मोटिवेट किया था? बताओ किसने, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है। गुरुजी फिर से एग्जाम रीशेड्यूल हो गया क्या? कौन सा एग्जाम रीशेड्यूल हो गया? ऐसे मत फैलाओ यार अफवाह, सब एग्जाम टाइम पे हो रहा है। आज मेरा एग्जाम था, आपके लेक्चर से 12 क्वेश्चन आए थे, थैंक यू वे, क्या बात क्या बात। तो सबसे पहले यूरोपियन को भारत की तरफ अट्रैक्ट करने वाले कौन होंगे? जो सबसे पहले आएंगे, आए और खूब कमा के गए तो बाकी लोग मोटिवेट हो गए कि हाँ हम भी आके लूट सकते हैं देश को, और आके हमारे देश को लूट लिए। हु ऑथराइज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट, भारत पूर्व में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने परमिशन दिया था? याद करो, पढ़ा रखा है ये लास्ट क्लास में। क्वीन एलिजाबेथ फोर्थ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ थर्ड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला था 31 दिसंबर 1600 को। वो खुद शेयर होल्डर थी इसकी। देखो सब निकम्मे गलत कर रहे हैं, सारे निकम्मे गलत कर रहे हैं सारे। चलो कुछ लोग साथियों, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थे, एक गलत करता है तो सारे गलत कर रहे हो, तो देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट कब? 31 दिसंबर 1600। खुद वो शेयर होल्डर थी इस कंपनी की। तो चले, द बैटल ऑफ बक्सर अभी पढ़ाया था, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम सेकेंड एंड द मुगल इंपीरियर। कौन कौन था अंग्रेजों के खिलाफ, कौन लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, कौन लड़ा था साथियों? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सोच समझ के बताना। तो अभी हमने सीखा था मीर कासिम कौन था, बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ अवध है ना, शाह आलम, नवाब आलम, सुजाउद्दौला। चले, बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया था? व्हेन वाज हेल्ड द बक्सर युद्ध, बक्सर का बाद युद्ध हुआ कब बताइए? प्लासी का युद्ध आपको याद हो, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया?
मुझे नहीं आ रहे हैं, तो ये आना चाहिए। आप लेट से क्लास ज्वाइन किया, अभी तो पढ़ाया है, सिखाया है ये पॉइंट आपको डिटेल। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम पहले टॉपिक पढ़ाएंगे और फिर आपको सिखाएंगे। तो कब साथियों? अक्टूबर 1764। मेरी गलती हो गई, मुझे वो भी टॉपिक लेके आ ही जाना था, कर्नाटक, रणजीत सिंह, टीपू सुल्तान, हैदर, मराठा। चलो जल्दी उसको भी लेके आएंगे। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद किसके किसके बीच? शुजाउद्दौला, मीर जाफर, शाह आलम सेकेंड। शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, शाह आलम सेकेंड, नन ऑफ द अबव। शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम सेकेंड। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन, किसके किसके बीच? अभी बताया था 1765 में, है ना? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना, पहले इनके साथ, अवध के नवाब के साथ, फिर इनके साथ, मुगल शासक के साथ, दोनों को बर्बाद किया। इनसे कहा कि इनको दो तुम इलाहाबाद और कारा, इनसे कहा कि ठीक है 25 लाख रुपया ये लो पर साल, पर ईयर, और हम तुम्हारे दीवानी का अधिकार ले लेंगे और 50 लाख वैसे दे दो, हम तुम्हारे मैनेजमेंट का काम कर लेंगे। चले सर, अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। फ़ोन नंबर कैसे बता सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरे बच्चे? Who among the following East India Company to the court Mughal Imperial secure royal patronage? निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही संरक्षण के लिए मुगल दरबार के में भेजा गया था? बताओ किसे भेजा गया था? सबसे पहले कौन आया था? ये लास्ट क्लास में सिखाया ये टॉपिक, जहांगीर के दरबार में आया था। क्या फर्जी पीडीएफ भी, फर्जी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया क्या किसी ने? कब मैंने वो किस नाम से बना रखा है? तो कौन आया था साथियों 1608 में? चले हॉकिंस। हु वॉज द मुगल इंपीरियर फॉर फर्स्ट ब्रिटिश इंटर इनटू मुगल कोर्ट टू सिक्योर रॉयल, किसने मुगलों को संरक्षण दिया था जहांगीर के दरबार में आया था? लास्ट क्लास में टेंपल पढ़ाया था। हाँ, टेंपल का पहले ही डाल चुके हैं मैटर, जीआई टैग का कल भूल गए थे, आज पक्का दे देंगे। तो किसके दरबार में मिला था साथियों? जहांगीर के दरबार में। प्लासी और बक्सर तो वैसे भी मेरे बच्चों आपको याद होना चाहिए, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, भारतीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश डिप्लोमेट सेंट बाय इंपीरियर जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड टू जहांगीर कोर्ट विथ अ प्ली फॉर द मोर कंसेशन फॉर द कंपनी? बताओ किसे भेजा था बाद में 1615 में? सर वो जो 500 क्वेश्चन का सीरीज निकालते हैं वो बंद कर दिया क्या? यहाँ भी मैंने 2017 में पढ़ा था, वो हर बार निकालते हैं 500 का, यहाँ भी पढ़ाए थे और सारे क्वेश्चन मैक्सिमम सीएचएसएल में वहाँ से मिल गए हैं। इस बार भी आपको मिलेगा काफ़ी कुछ। हॉकिंस तो आया था शुरू में और बाद में आया था थॉमस रो। चले 1608-1615। सर आपका हेयर कट अच्छा लग रहा है, पहले ये सर सीएचएसएल टायर वन देने के बाद टायर टू की तैयारी कब से शुरू करें? बस जब भी एग्जाम आए तो 15 दिन पहले कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम पढ़ा देंगे टायर टू का, डिस्क्रिप्टिव का बोलेंगे तो यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, मजा आ जाएगा आपको। डिस्क्रिप्टिव बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट वाला है, उसमें फैक्ट फूट का ड्रामा नहीं है। बैलेंस सोच कैसे रखते हैं वो पढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड रिसीव डॉरी ऑफ चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड एंड गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1668 फॉर 10 पाउंड्स पर ईयर? बताओ, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया आपने। सर आपका दूसरा चैनल भी है, बताइए साथियों, आजकल तो सबका चैनल है मेरे भाई, बॉम्बे, है ना,
विवाह के दौरान के लिए मिला था. Who among the following established factory at Sutnati and the जमींदारी of the three village of Sutnati, Kalikat and Govindpura? बताओ. लास्ट क्लास का एक सारा क्वेश्चन दिख रहा है. किसे? यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. बताइए. सीएचएसएल का कट ऑफ कब आएगा सर? मॉडर्न डिवीजन आपसे कराओगे? कल से लगातार चार दिन मॉडर्न ही है और पूरा नेशनल मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं कल से. तो किसने स्थापित किया था साथियों? जॉब चार्नक ने. चलो. इन विच प्लेस इन इंडिया ब्रिटिश स्टार्टेड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? यस. किस जगह से द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? बताओ. अभी पढ़ाया था. बताइए साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों. 1865 की 1765 की इलाहाबाद संधि के द्वारा ड्यूअल सिस्टम. ज्योग्राफी पहले. ज्योग्राफी मंडे से आ रहा है. स्टैटिक जीके खत्म कर चुके हैं. ज्योग्राफी चार दिन रहेगा और तीन दिन हिस्ट्री अल्टरनेट डे में रहेगा. MWF ऐसे करेंगे, टेंशन नहीं. मतलब चलो. Who among the following was the first European to come in to India? भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने खूब पढ़ा था लास्ट ईयर, लास्ट क्लास में 1498. चल. पुर्तगीज. Who among the following discovered the Cape route from the Europe to India? बताओ. ये भी पढ़ा रखा है. केप ऑफ गुड होप किसने खोला था? सर टेलीग्राम चैनल का नाम बता दीजिए. साहिल मेरे बच्चे, टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, श्योर 60. इस नाम से सर्च करो, मिल जाएगा. सर अगर चार दिन में मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा तो संडे को टेस्ट लीजिएगा एक मॉडर्न हिस्ट्री का. टेस्ट तो हर क्लास के बाद ही लेते हैं. देखो अभी आज पढ़ाए हैं तो इसके बाद टेस्ट ले रहे हैं. हम तो तुरंत क्लास, तुरंत टेस्ट, तुरंत क्लास. सर प्लस पर आप हैं? बिल्कुल हैं मेरे दोस्त, मेरे बच्चे. सर CDS के लिए उधर से हो जाएगा क्या? नहीं यार, CDS के लिए नहीं होगा. किसने खोजा था साथियों? वास्को डी गामा ने. नहीं, केप ऑफ गुड होप समझते हैं, अफ्रीका के नीचे वाला हिस्सा. चले. हु अमंग द फॉलोइंग नेविगेटर टू हेल्प वास्को डी गामा? ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम था. वास्को डी गामा को किसने मदद किया था? गुजराती ट्रेवलर था. सर अपने टाइमिंग क्लासेस की बता दीजिए. टाइमिंग क्लासेस की 9 से 10, 9 से 10:30, 9 से 11, 9 बजे शुरू हो जाती है. जनरली तो 4 मिनट लेट हो ही जाते हैं, कितना भी जल्दी करें. CHSL के आंसर की कब तक आ जाएगी? एग्जाम खत्म होने के विद इन 15 दिन आ जाएगी. सर इकोनॉमिक्स की भी क्लास लिया करो. इकोनॉमिक्स इसी चैनल पे पूरा खत्म कर दिया है. अहमद बिन इब्न माजिद है ना? चले. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड एज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट वॉज नोन एज? यस, लास्ट क्लास में सिखाया था. बताओ किस नाम से जाना था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को? डू यू नो RIMC? RIMC क्या हो गया दोस्त? बताइए. जय हिंद शिवम भाई. बताओ लास्ट क्लास में सिखाया है, किस नाम से जाना जाता था? गुरुजी NTPC के लिए क्या करें? NTPC के लिए जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ाते रहे. तो क्या था साथियों? मर्चेंट एडवेंचर्स. नहीं, 1600 में एस्टैब्लिश हुआ था. चलिए. हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू मेक एन ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया? भूमि के रास्ते भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? नॉट थ्रू सी, लैंड के रास्ते, भूमि के रास्ते. सर प्लानिंग नहीं पढ़ाया आपने. प्लानिंग पढ़ा देंगे भाई, जो नहीं पढ़ाया वो बता देना. सर जय हिंद नहीं किया आज हमसे, किया है आते ही जय हिंद किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है. इम्पॉसिबल है आपको जय हिंद ना करें,
आपको हम सब सम्मान करते हैं। गुरुजी आपको कभी टॉप एजुकेटर क्यों नहीं जितने आप रैंक पे हो? टॉप का कैसे डिसाइड होता मुझे नहीं पता यार। तो कौन सा है साथियों? जॉन मिडेनहल। चले, इन विच प्लेस द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बिल्ट? बताओ, लास्ट क्लास में सीखे थे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? सर दिल्ली पटवारी के लिए भी बताएं, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आप एग्जाम में देने जा रहे हैं। दलाई लामा वाला टॉपिक भी करा दो सर, CHSL में क्वेश्चन आया था। मेरे बच्चे वो टॉपिक पढ़ाने का कुछ नहीं है, कभी बोलोगे तो ऐसे दलाई लामा के बारे में बता देंगे। वो ऐसे कुछ भी आ सकता है कि दलाई लामा भारत कब आए थे, ये तो यूं ही जानना चाहिए। अब जैसे मान लो पोखरण टेस्ट आ जाए, ये जानना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कई सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं सूरत में, है ना, 1613 में स्थापित किया था इन्होंने। चलो, Who among the following European forced to sell their settlement in India to Britishers? बताओ, ये लास्ट क्लास में पूरा ये क्वेश्चन भी किया था और सिखाया भी था। ऐसे नहीं बोलते हैं अब मेरे दोस्त। बताओ, किसने भारत में अपनी सभी कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया था? लास्ट क्लास में सीखा था हमने, ये कंपनी 1616 में आई, 1676 में इनको बेच के सब भागना पड़ा। तो कौन थे? डेंस थे। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट कम इन इंडिया? पहला अंग्रेज जहाज जो भारत आया था, ये भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में। बताओ, पहला अंग्रेज जहाज, अंग्रेजों का पहला जहाज जो भारत आया था क्या था? एलिजाबेथ, टाइटेनिक, मे फ्लावर एंड रेड ड्रैगन। बताइए साथियों, श्रीरामपुर। यस मेरे बच्चे, गुड, ट्रिक सिखाया था लास्ट क्लास में। तो कौन था साथियों? रेड ड्रैगन। चल, द बैटल ऑफ बंडीवास वॉज फॉट बिटवीन? बंडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी बताओ? ये भी डिस्कस किया था लास्ट ईयर, लास्ट क्लास जो सीखी हुई थी उसमें। जल्दी 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 साथियों, किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच। चलो, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। इन बंगाल द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लोकेटेड? यस, बताओ। अभी देखा था उन्होंने कब जाकर लिया था, फिर बाद में क्लाइव आया, फिर दोबारा वापस किया। सर इज दिस फॉर CGL 2021? नो, इट इज फॉर CGL 2020। जो 2021 में CGL हो रहा है, 2020 का CGL है, उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। बताओ कौन सा था जिसके चक्कर में ब्लैक होल की घटना भी घटित हो गई थी? फोर्ट विलियम। चले, 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय? यस, 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, सिराजुद्दौला को किसने पराजित करके मार दिया बताओ? सिराजुद्दौला गद्दारों के फौज से परेशान था, बहुत सारे गद्दार जुड़ गए थे उनके साथ। तो कौन साथियों? लॉर्ड क्लाइव। चले, Who succeeded सिराजुद्दौला of नवाब बंगाल after the battle of प्लासी? बताओ, सिराजुद्दौला के बाद कौन गद्दी पर बैठा था जिसके जिसे बाद में 3 साल बाद छोड़ के जाना पड़ा? अलवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, बताओ किसे? अभी बताया था प्लासी के युद्ध के बाद। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, बिल्कुल बेसिक, मतलब आपने बिना टेंशन लिए आराम से क्वेश्चन कर सकते। बस थोड़ा सा क्या है, कहानी याद हो, थोड़ा बहुत ट्रीटी याद हो, थोड़ा बहुत डेट याद हो इस वाले घटना में। तो कौन साथियों? मीर जाफर, है ना, 1757 से 60 तक रहा, फिर मीर कासिम को बना दिया इन्होंने। When ईस्ट इंडिया कंपनी कम इन टू एग्जिस्टेंस, इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाई? जब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में, तो इंग्लैंड का शासन कौन कर रहा था? बेहतरीन क्वेश्चन है। बताओ,
इंग्लैंड का शासन किसके हाथ में था? सर क्लास के एंड में थोड़ा दिल्ली पटवारी के बारे में बता दीजिएगा, मीर जाफर सिन्हा लेके भाग गया था, सारे ही भाग गए थे, सारे ने गद्दारी की थी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। दैट वाज द नॉर्मन्स, नॉर्मन्स का शासन था। विच अमंग द फॉलोइंग वाज फॉट अर्लीएस्ट, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? ये भी एक मुश्किल प्रश्न ही है। बताइए, जैसे आप याद करें, बांडीवास की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई कब हुई, बक्सर की लड़ाई कब हुई, तो फिर आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में होंगे। क्या आज हम क्विज करवा दें आप लोग का? तो मुझे लग रहा आज क्विज नहीं हुआ। चले, प्लासी कब साथियों? 1757। बक्सर कब साथियों? 1764। बांडीवास बताओ। बताओ, बांडीवास हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, बताइए साथियों। चलो, 1760। तो सबसे पहला कौन सा हुआ, इसको यदि आपको थोड़ा सा आसान कर दें तो सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वार जो है वो यही है, पढ़ाऊंगा ये। चलो, क्विज के लिए रेडी हैं तो बताएं, क्विज करवा देते हैं। द इंग्लिश गवर्नर ऑफ इंडिया हु वाज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब वाज, भारत में अंग्रेजी गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, बताओ। बताइए, औरंगजेब के द्वारा किसे निष्कासित किया गया था? तो कौन था साथियों? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा, सॉरी सर जॉन चाइल्ड को। जॉब चरनाक फाउंडेड द कलकत्ता एट द साइट ऑफ, अभी क्वेश्चन आया था, उल्टा था उस समय, सुरनौती, कालीकट, गोविंदपुर किसने स्थापित किया था? इस बार हम आपसे पूछ रहे हैं कि जॉब चरनाक ने कलकत्ता में कौन कौन सी साइट की स्थापना की थी। सर दिसंबर 2019 का पीडीएफ टेलीग्राम से हट गया। नहीं, हटाएंगे क्यों, सारा तो डाल रखा है। सी चेसल 2019 की कटअप कितना? अभी नहीं, अभी थोड़ा एक बार सारा शिफ्ट हो जाने दो। फिर आप क्विज कहाँ करवाते हैं? हम क्विज करवाएंगे साथियों अनअकैडमी वाले पर। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू इंडिया कॉन्टेक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ 1765। वर्ष 1765 में दीवानी के अनुदान के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस पहाड़ी जनजाति के साथ पहली बार संकर्प, ये अपने आप में मुश्किल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, खासी जनजाति थी, छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन डाल दिया तुम्हारे लिए, ये छोड़ दो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोलिजन वेयर फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर, निम्नलिखित कौन बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप में नहीं था, बताओ कौन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहा था? अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़, गुरुकुल के बारे में बताएं, मेरे बच्चे गुरुकुल गूगल से ले लो नंबर गुरुकुल का
और उस नंबर पे कॉल कर लो, सारा डिटेल आपको हम बता देंगे। बताओ, ये अभी सिखाया था आपको? आज शायद ये नहीं हुआ है, क्विज नहीं हुआ है। बताओ साथियों, कौन नहीं था? तो कौन नहीं था साथियों? मीर जाफर नहीं था, मीर कासिम, सुजादुद्दौला और शाह आलम। चले आबा, ऐसे बच्चों को जवाब नहीं देना मेरे बच्चे, फिर तो ये मोटिवेट हो जाएंगे और कि मैं टारगेट में हूं। बिल्कुल इग्नोर देम, हम पढ़ेंगे और पढ़ के लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। जानवरों के मुंह नहीं लगते हैं। चले भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में गए, बताओ, ये पढ़ा रखा है। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, लास्ट को। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले गए हैं, ये पूछ रहे हैं। हमने कोड भेज दिया है आप लोग को, हम जस्ट शुरू करने वाले हैं टेस्ट को। अच्छा, बस साथियों मैसेज चला गया, और इसका कोड है साथियों 52510। जब मैं बोलूंगा तभी आपने एक्टिवेट करना है 525160, 525160। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, दो चार क्वेश्चन है फिर करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एलाय ऑफ मीर कासिम इन द बैटल ऑफ बक्सर? नहीं, कौन बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का सहयोगी था? बताओ ऑप्शन वाइज कौन था साथ सहयोगी? बताइए। तो अभी हमने देखा था सुजाउदौला था और शाह आलम सेकेंड था, तो ऑप्शन वाइज क्या होगा? शाह आलम सेकेंड। चले, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ, अभी बताया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? बताओ, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कब साथियों? 1757, 1757। चले, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री ऑफ हुगली इन बंगाल? बंगाल में हुगली में ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने का परमिशन किसने दिया था? बताएं, शाह शुजा, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन अलवर्दी खां। बताइए साथियों, सबसे पहला परमिशन किसने दिया था? दोस्तों भाइयों जल्दी बताओ, किसने साथियों? शाह शुजा ने दिया था। चले, साउथ में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, यस, 1611 में, है ना? ओवरऑल तो सूरत में खुला था, साउथ में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां खोली थी 1611 में? कोड बताऊंगा अभी, एक मिनट में बताऊंगा, जस्ट एक सेकंड रुक जाओ, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है शायद। तो कहां पर साथियों? मसूलीपट्टनम में। चले, फर्स्ट इंग्लिश ऑब्टेन्ड द लीज ऑफ मद्रास इन 1639 फ्रॉम? अंग्रेजों ने मद्रास के लिए पट्टा किसे प्राप्त किया था, मद्रास का परमिशन? तो किससे साथियों? दैट वाज द चंदगिरी, चंदगिरी के शासकों से। और ब्लैक होल की घटना किसके टाइम पर हुई थी, अभी बताया था? बताओ, ब्लैक होल की घटना किसके टाइम पर हुई थी? ब्लैक होल की घटना किसके टाइम पर हुई?
जिसके खिलाफ आए और क्लाइव और बक्सर का युद्ध लड़ लिया गया। किसके टाइम पे साथियों? सिराजुद्दौला, है ना, सारे ही तो मर गए लगभग। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन, शुरू शुरू में जब अंग्रेज आए थे तो उनका मकसद क्या था? शुरू शुरू में जब अंग्रेज आए तो उनका मकसद क्या था? कोड था साथियों हमारा, कोड वाज 525, 525 और 160, 525, 160, 525, 160। तो क्या था शुरू में? व्यापार करना, शासन नहीं। बाद में क्या हो गया? शासन नहीं हो गया, व्यापार बंद कर दिए। तो आइए हम शुरू करते हैं क्विज को, 525, 160। कल से प्रॉपर आपकी क्लास 1.5 घंटे चला करेगी, आज अपनी क्लास लगभग 1 घंटे चली है। तो एक बार क्विज से जुड़िए जल्दी से, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक साथियों जो लोग क्विज से नहीं जुड़े हैं, जो लोग क्विज से नहीं जुड़े हैं वो, उनका कोई डाउट कोई क्वारीज हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग क्विज से नहीं जुड़ रहे हैं उनका कोई डाउट कोई क्वारीज हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग क्विज से नहीं जुड़े हैं उनका कोई डाउट क्वारीज कोई क्वेश्चन हो तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी मुद्दे पर। चले तो बहुत सारा मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए जितना कर सकते हैं। और अभी के लिए हम सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे। और कल से हम मॉडर्न इंडिया का नेशनल मूवमेंट पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत आराम से मज़ा आएगा उस टॉपिक में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।